तुफेल गेम फैमिली माय जीएम मोड की एपिसोड 3 में आप सभी का स्वागत है। और कल से मेरी तबीयत खराब है, जो कि आपको मेरी आवाज से भी पता चल रहा होगा। पर जिस हिसाब से आप लोग प्यार दिखा रहे हो ना भाई माय जीएम मोड को, इसके एपिसोड्स रुकने वाले हैं नहीं। तो आज फिर से हम लोग 20K लाइक्स टारगेट रखते हैं, और अगर आज रात 12 बजे तक एक बार फिर से 20K लाइक्स कंप्लीट हो गए, तुफेल आर्मी माय जीएम मोड का अगला एपिसोड कल ही आ जाएगा। तुफेल आर्मी, अगर आपको माय जीएम मोड पसंद आ रहा है तो एकदम फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो, और मेरे भाई अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ। और चलो बिना देरी के आज के एपिसोड कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट किया जाए। तो आपको याद दिला देता हूँ कि कल के एपिसोड में फर्स्ट हफ्ता हुआ था फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का, और फर्स्ट हफ्ते की शो की रेटिंग में जैसा आप देख सकते हो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन मंडे नाइट रॉ और एनएक्सटी से फिलहाल आगे। तो ट्रिपल एच ने गोल दिया कि कम से कम एक टोर्नाडो टैग टीम मैच करूं मैं, ओके। ट्रिपल एच का गोल ना ध्यान में रखते हुए आज का शो हम लोग बुक करते हैं। फर्स्ट ही मैच टोर्नाडो टैग टीम मैच, तो ये मैच होगा नए स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस यानी कि डोमिनिक और रे मिस्टीरियो वर्सेस दो जायंट की नई जोड़ी वीर महान और उमास। अभी उसोस को तो टैग टीम टाइटल मैच देना ही है, और मैं सोच रहा हूँ कि जब पेपरव्यू आएगा ना हेल इन अ सेल उसमें दूं। चलो फिर ठीक है, इस मैच को कंफर्म करते हैं, और नेक्स्ट ना सेट से एज को कॉल आउट करवाता हूँ ताकि ना इन दोनों की दुश्मनी का लेवल बढ़े। अभी इन दोनों की दुश्मनी का लेवल 1 है ना एज और सेट की, तो जितना ज्यादा इन दोनों की दुश्मनी का लेवल रहेगा ना जब इनका मैच करवाऊंगा उतनी ज्यादा रेटिंग आएगी मैच की। सेट फ्रिकिंग रॉलिंस ना आईसी चैंपियन है भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, तो इस हफ्ते पहली बार 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का मैच करेंगे हम लोग। मैं सोच रहा हूँ ना कि हेल इन अ सेल आने तक सीना और लोगन पॉल की दुश्मनी बढ़ा देते हैं, और इन दोनों का ना स्टार्टिंग ही में हम लोग टेबल्स मैच करते हैं। सीना ब्रूजर है, लोगन पॉल फाइटर है, सीना फेस है, लोगन पॉल हील है, तो इस मैच की भी रेटिंग सही आनी चाहिए। तो एक ना सेल्फ प्रोमो करवाते हैं रेटेड आर सुपरस्टार एज का, ताकि एज की पॉपुलैरिटी थोड़ी और बढ़े, और जितनी पॉपुलैरिटी ज्यादा रहेगी ना सुपरस्टार की, वो किसी के साथ भी मैच करेगा रेटिंग उतनी ज्यादा अच्छी आएगी। तो सुपरस्टार्स को ज्यादा ज्यादा पॉपुलर करना है ना अपने शो में, तो उन्हें सेल्फ प्रोमो देना पड़ेगा, ठीक है चलो। और एक ना चैरिटी प्रोमो रखेंगे ताकि फैंस थोड़े कमा लें, जिमी उसो भाई चैरिटी प्रोमो कट कर देना। और एक और ना मिड कार्ड मैच रखते हैं रोंडा रॉसी वर्सेस नटालिया फॉर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। इस हफ्ते की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो में मैं उतने ज्यादा पैसे नहीं खर्चे कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया है कि नए नए सुपरस्टार्स खरीदना है, और उसके लिए पैसे बचाने पड़ेंगे भाई, और रोमन और कॉडी रोड्स की दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ानी है, इसलिए इस हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का मेन इवेंट एक बार फिर से होगा रोमन वर्सेस कॉडी रोड्स, लेकिन इस बार एक्सट्रीम रूल्स मैच है यूनिवर्सल टाइटल के लिए। तो मेन इवेंट को कन्फर्म किया जाए, लेकिन अभी काम हुआ नहीं है क्योंकि शो लॉजिस्टिक में जाना है, और एक नया और महंगा अरीना अब अनलॉक हो गया है। तो मैंने बोला ना जैसे जैसे हफ्ते पार होते जाएंगे ना उतनी ज्यादा बड़े और महंगे अरीना अनलॉक होते जाएंगे, पैसे भले ही ज्यादा लगेंगे बड़े अरीना में, लेकिन जितने बड़े अरीना में फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो में बुक करूंगा उतने ज्यादा फैंस मेरे शो को देखेंगे। चलो इस हफ्ते स्मैकडाउन कहाँ होगा ये भी बुक कर लिया है, लेकिन अब ये देखना है कि कोई पावर कार्ड यूज कर सकते हैं, ये क्या है। तो इस पावर कार्ड का नाम है ना प्री मैच फिजियो, तो इस पावर कार्ड को मैं जिस भी सुपरस्टार के ऊपर यूज करूंगा ना उसके इंजर्ड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस प्री मैच फिजियो वाले पावर कार्ड को ना रोमन के ऊपर यूज कर लेते हैं, क्योंकि रोमन का स्टैमिना सिर्फ 45 है, तो गलती से अगर रोमन इंजर्ड हो गया ना भाई तो बिना यूनिवर्सल चैंपियन के मेरे शो की वाट लग जाएगी। अच्छा जो STA लिखा हुआ ना वो है स्टैमिना, और POP यानी कि पॉपुलैरिटी, और MOR जो लिखा हुआ ना वो है मोरल सुपरस्टार का, यानी कि सुपरस्टार खुश है नहीं है उसका इमोजी बना हुआ है। ये मैंने अभी तक नोटिस नहीं किया था कि सुपरस्टार का इस बार मोरल के लिए इमोजी डाल दिया है, ये बड़ा सही है। तो ये है मेरे सेकंड हफ्ते का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, हारना नहीं है और नंबर 1 पे अपनी पोजीशन बनाए रखनी है। इस बार ना उतना ज्यादा पैसा मैंने खर्चा नहीं किया है शो पर, इसलिए थोड़ी सी मुझे टेंशन हो रही है कहीं मैं इस हफ्ते हार नहीं जाऊं। अब तो भाई जो बुक कर लिया वो बुक कर लिया, अब इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैच को सिमुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स के मैच में। इसको सिमुलेट करने से पहले मैं बता दे रहा हूँ कि ये ओपनिंग मैच है, ठीक है, अगर इसी की रेटिंग खराब हो गई ना तब समझ लो कि शो डेफिनेटली खराब जाएगा। चलो देखते हैं कि क्या होता है भाई पहले मैच में। डोमिनिक और रे ने रिटेन कर लिया है, और 4 स्टार हो भाई मुझे लगा ही था, चलो मजा आ गया, फर्स्ट मैच अच्छा गया है। सेट ने एज को कॉल आउट किया, लेकिन इन दोनों की दुश्मनी उतनी आगे नहीं बढ़ी है, अभी भी दोनों की दुश्मनी लेवल 1 ही पर है। तो अपना नेक्स्ट मैच आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल, तो ये टेबल्स मैच है ना जल्दी ही खत्म हो जाएगा, इस मैच को हम लोग स्पेक्टेट करते हैं और देखते हैं कि क्या मेरे फेवरेट जॉन सीना जीतते हैं या फिर लोगन पॉल जीतते हैं। तो फर्स्ट हफ्ते के स्टेडियम याद है ना बास्केटबॉल वाला स्टेडियम था, लेकिन उससे ज्यादा बेटर ये स्टेडियम है, और अभी शो कुछ और हफ्ते आगे जाएगा ना तो जो ओरिजिनल स्मैकडाउन का स्टेडियम है वो भी अनलॉक हो जाएगा, और हम लोग एंट्रेंस नहीं देखने वाले भाई। चलो ठीक है, जॉन सीना आ गए, तो सीना सर एंट्रेंस स्किप, सीना लोगन पॉल की वाट लगा देना और बुरे तरीके से हराना,
टेबल्स मैच है और टेबल तोड़ने के लिए फिनिशर की भी जरूरत नहीं है। कोई भी एक गलत मूव और टेबल टूट सकते हैं, मैच आप हार सकते हो, सीना थोड़ा संभल के खेलना। चलो स्किप किया जाए। देखो जॉन सीना मेरे फेवरेट सुपरस्टार है भाई, मैं तो चाहता हूँ कि इस मैच में सीना ही जीते, पर मेरे चाहने से क्या होता है, सीना जीतने की पूरी कोशिश करना। ऐसे भी जानते हो ना, सीना गिव अप करते नहीं है। लोगन पॉल भारी पड़ रहा है, सीना टेबल लेके आओ। मैं तो बोलता हूँ स्टार्टिंग में स्क्वाश कर दो, मैच खत्म करो और हम लोग आगे बढ़ेंगे और पूरे शो के। अरे वाह, सीना रिंग के बाहर ऐसे कूदते नहीं है, लेकिन टूके ने चलो अच्छा मूव डाल दिया है। सीना टेबल के पास ही पीट रहे हैं लोगन पॉल को। सीना थोड़ा सा सरक के टेबल के पास पहुंच जाओ ना, वहां पर अगर ये उल्टा सुप्लेक्स लगाते तो शायद। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो सीना, यहाँ पर सीना एक सुप्लेक्स लगाते हैं ना, पक्का सीना जीत जाएंगे। और याद रखना, इस मैच को मैं रीमैच नहीं कर सकता हूँ, अगले हफ्ते भले ही कर सकता हूँ, लेकिन ये मैच में जो हो गया हो गया। वही तो बात है भाई, जीएम मोड में एक बार मैच ऑन हो गया, उसको ना आप रीमैच कर सकते हो ना हटा सकते हो। सिमुलेट कर सकते हो आप, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट जब तक आएगा नहीं, तब तक आप मैच हटा नहीं सकते हो। ये दोनों टेबल के इतने पास लड़ रहे हैं ना, मुझे पूरी उम्मीद है भाई कि जल्दी टेबल टूटने ही वाला है। लोगन एक एक करके ना सीना का अलग अलग बॉडी पार्ट टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ये टेबल्स मैच है लोगन, कितना भी मार लो पिनफॉल तो होना नहीं है, सबमिशन भी नहीं होना है। टेबल एक सेकंड की गलती होगी टेबल टूट जाएगा, तो इसलिए मारने से ज्यादा टेबल तोड़ने पे ध्यान देना है। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला टेबल तोड़ने जाए और अपोनेंट रिवर्स कर दे और तब टेबल टूट जाए। इसलिए ना टेबल्स मैच में पिटाई से ज्यादा ध्यान टेबल तोड़ने पे लगा रहना चाहिए। खड़े खड़े भाई ये मून सॉल्ट कूदे जा रहा है, सीना का रिवर्स बटन क्या हो गया, सीना रिवर्स करो, अंदर लेके चला गया। लोगन टेबल भी लेके, अरे टेबल लेके जाता ना भाई, क्या कर रहा है। टेबल सेट होके रहना चाहिए, तब ना टूटने का चांस बनेगा। चलो लोगन पॉल को अकल आई, भाई टेबल लेके क्या क्या कर रहा है। ये देखो खड़ा हो गया लोगन पॉल, सीना जब आ रहे तब ये टेबल ले जा रहा है भाई, सीना थोड़ी ले जाने देंगे, सीना टेबल लेके जाओ। अरे सीना ही लेते आते टेबल, कोई भी लेते और टेबल क्या जा रहा है। 2K22 के टेबल चोर यानी कि शिंस्के नाकामुरा को लगता है बुलाना होगा टेबल ले जाने के लिए। लोगन पिनफॉल कर रहा है, मां कसम भाई सस्ता अट्रूथ, भाई क्या कर रहा है यार, टेबल मैच में पिनफॉल लोगन पॉल। जानता हूं भाई नया नया आया WWE में, इसका मतलब ये थोड़ी है टेबल मैच में पिनफॉल कर लेगा। चलो एटलीस्ट लोगन टेबल लेने गया, सीना रोकना मत, टेबल लेके आने दो, अच्छा ही है ना, टेबल आ जाएगा कोई भी तोड़ देगा उसके बाद। चलो टेबल आ तो गया है, लेकिन सेट कौन करेगा। लोगन पॉल भारी पड़ रहे हैं फिलहाल। ओके सीना रिवर्स करो, जॉन सीना की हेल्थ कम हो रही है, बॉडी लो हो गई है। खतरनाक स्टनर इस बार ना सीना के स्प्रिंग बोर्ड स्टनर और भी ज्यादा अच्छा बनाया है। चलो ठीक है, सीना टेबल सेट कर रहे हैं, लोगन टेबल सेट करने दे भाई, टेबल तो सेट करने देता, लेकिन नहीं, लोगन आई थिंक टेबल सेट करने जा रहा है भाई। नहीं नहीं नहीं, ये आदमी टेबल नहीं सेट करेगा भाई, लोगन लैडर सेट करेगा। टेबल्स मैच है ना, उल्टा काम करता है भाई लोगन पॉल। सीना टेबल सेट करो, सीना लेजेंड है, सीना टेबल सेट करेंगे, सीना को पता है क्या करना है। लोगन टेबल ही नहीं सेट करने दे रहा है भाई सीना को। अच्छा कोई बात नहीं लोगन, अरे भाई लोगन कर लेना यार टेबल सेट। सीना आप कहां से टेबल सेट होगा, नीचे ही आ गया। लोगन ना खुद टेबल सेट करे ना टेबल सेट करने दे, वाह लोगन वाह, मैच खत्म ही मत करने दो ठीक है ना। सीना एक और टेबल लेके आ रहे हैं, लेकिन जब तक लोगन पॉल होश में, सीना वो टेबल नहीं सेट करने देगा। लगता है सीना भी ये बात समझ गए और इसलिए लोगन को होश से बेहोश कर रहे हैं और एक और टेबल लेने चले गए सीना। सीना मतलब टेबल की दुकान नहीं लगानी है, बस एक ही टेबल तोड़ना है, सीना को पता है ना, आई थिंक सीना को पता है। चलो लोगन को सेट करने दो सीना, अच्छा ही है, वाह लोगन जबरदस्त एक बार में टेबल सेट किया भाई, ये नया एनिमेशन है। सीना पक्का टेबल टूट गया, अरे सीना तोड़ सकते थे टेबल, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, टेबल खुल गया है ना, अब तो पक्का टूटने वाला है, किसी भी सेकंड टेबल टूट सकता है, तैयार रहो सीना। अरे सीना ए लगाने की पोजीशन में ला रहे हैं, लेकिन सीना के पास ए तो है ही नहीं, फिर सीना ए की पोजीशन में लेके क्यों आ रहे। अच्छा नॉर्मल भी पटक सकते हैं, अरे भाई साहब बचे सीना, थोड़ा सा और इधर रहते ना टेबल टूट जाता, बच गए बच गए। लोगन पॉल भारी पड़ रहा है, सीना रिवर्स करो, क्या करे सीना, सीना का आई थिंक 94 है, सीना इतना गड़बड़ा क्यों रहे भाई। सीना टेबल मैच है, इन दोनों की दुश्मनी आ रही, एक और स्टनर टेबल टूट जाता भाई, मजा आता स्टनर से, बोलता मैं कि सीना ने स्टनर से टेबल तोड़ा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सीना के पास अभी भी चांस है, स्टनर दे के टेबल तोड़ ही डालो, मजा आएगा देखने में। सीना लेके जा रहे सेट करने, जीत गए, चलो सीना जीत गए। लोगन ने रिवर्स कर दिया भाई, ये नहीं होना चाहिए था, लोगन ने रिवर्स क्यों कर दिया, लोगन जीतने वाले, मां कसम लोगन जीत गया भाई। सीना इन दोनों की दुश्मनी और आगे बढ़ेगी, पता है
इन दोनों की दुश्मनी और आगे बढ़ानी पड़ेगी। सीना इस चीज का बदला लेंगे लोगन पॉल से। इनसाइड हेल इन अ सेल, हेल इन अ सेल पेपरव्यू में इन दोनों का एक बार फिर से मैच होगा और हेल इन अ सेल के अंदर सीना वाट लगाएंगे पक्का। यार सीना ने पूरा ट्राई किया, अब सीना की किस्मत खराब आई, लास्ट टाइम में रिवर्स हो गया और लोगन ने सुप्लेक्स देके टेबल तोड़ा है। ठीक है लोगन, कांग्रेचुलेशंस, रेटिंग है 2.5 स्टार। चलो डिगी है, 2 स्टार जब भी आए ना मैच का तब वो खराब है, 2.5 स्टार फिर भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। बहुत अच्छी रेटिंग नहीं है 2.5 स्टार, लेकिन बुरा भी नहीं है, मैनेज कर सकते हैं। चलो ठीक है, ओके ओके मैच है। अब इसके बाद एज अपना प्रोमो कट करके अपनी पॉपुलैरिटी और बढ़ा लेंगे, इसने अपनी पॉपुलैरिटी में 2 पॉइंट्स और बढ़ा लिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट मैच की तरफ चलते हैं। स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप, नटालिया वर्सेस रोंडा रोजी। ओ भाई साहब, नटालिया चैंपियन बन गई है और 3.5 स्टार, बहुत अच्छी रेटिंग, और इन दोनों की दुश्मनी का लेवल भी बढ़ गया है। इसी बात तो जिमी उसको चैरिटी प्रोमो कट करेगा और फैंस कमाने के लिए, तो वो तो उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन मेन इवेंट मैटर करता है। इसको हम लोग सिमुलेट करेंगे, रोमन वर्सेस कॉडी रोड्स, देखते हैं। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो और रोमन हार जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 3.5 स्टार फिर से मिला मैच को, यानी कि कुल मिला के मेरा इस हफ्ते का शो कम पैसे में अच्छा ही गया है। अब देखते हैं कि रॉ और NXT का क्या हाल है, किसी तरह इनकी रेटिंग्स ना एक दो मैच में खराब हो जाए। टॉमनी की मामी रिया रिपली चैंपियन बन गई और 4 स्टार मैच दिया, मेरे साथ ड्रॉ कर दिया, मेरा ओपनिंग मैच भी 4 स्टार था ना, तो ये तो चलो सेल्फ प्रोमो है। मिड कार्ड मैच का क्या हाल है, सीना वर्सेस ऑटर, रैंडी ऑटन जीतकर US चैंपियन बन गया, रेटिंग 4 स्टार। भाई मेरा कितना था, आई थिंक 2.5 स्टार था। भाई साहब ये मैच में मुझे बीट कर दिया है। ठीक है ठीक है, दिल से उम्मीद कर रहा हूँ रॉ का ये मैच खराब हो जाए। 1-2, सैमी जेन और द मिस जीत गए हैं, 3.5 स्टार, ये ड्रॉ कर दिया है। अगर इनका मेन इवेंट 4 स्टार या 4.5 स्टार चला गया ना, तब इस हफ्ते में पक्का हार जाऊंगा। आई होप ऐसा ना हो। 1-2, अंडरटेकर सच जीत गए, रेटिंग क्या आई। ओ भाई साहब मजा आ गया, पता है क्या हो गया, इनका मिड कार्ड मैच इनके मेन इवेंट मैच से ज्यादा अच्छा चला गया है। और से तो मैं जीत गया, लेकिन NXT की अब बारी है। ब्रॉक ने डेमियन प्रीस्ट को हरा दिया और 4 स्टार मैच, भाई साहब इन्होंने भी ड्रॉ कर दिया मेरे साथ पहले मैच में। मिड कार्ड मैच में इनका क्या हाल है, चलो इसको सिमुलेट करते हैं, देखते क्या होता है। 1-2, चलो फिन बैलर जीत गए, रेटिंग क्या मिली, 3 स्टार, मेरा 2.5 स्टार था। भाई साहब कांड हो गया है, ऐसा लग रहा है कि हार रहा हूँ फिलहाल। थर्ड मैच प्लीज खराब जाना, एकी और एल्बा जीत गई है, रेटिंग 2 स्टार। भाई साहब बच गया मैं, लग तो रहा है कि जीत गया हूँ। मेन इवेंट अगर 4 स्टार तक भी चला गया ना, तब भी जीत गया हूँ मैं। अंडरटेकर और ब्रॉक को ना देखना है, NXT से छीन लूंगा मैं। शेमस न्यू NXT चैंपियन, वो भी हेल इन अ सेल मैच है। चलो ठीक है, 4 स्टार मैच मिला है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं जीत गया हूँ भाई। रेटिंग हम लोग जोड़ लेते हैं, तो इस हफ्ते भले ही NXT की रेटिंग सबसे कम है 13 स्टार, और उसके बाद मेरी शो की रेटिंग है 13.5 स्टार, और मंडे नाइट रॉ की रेटिंग ना सबसे ज्यादा है, यानी कि 14 स्टार। तो बहुत लोग सोच रहे हैं भाई कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की रेटिंग तो 0.5 स्टार कम है, तो आप जीते कैसे। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपका मिड कार्ड मैच, यानी कि जो बीच में मैचेस होते हैं, यानी कि जो लिखा हुआ है यहाँ पर मिड कार्ड, तो ये मिड कार्ड मैच अगर आपका मेन इवेंट या फिर ओपनिंग मैच से ज्यादा अच्छा चला जाता है ना, तब आपकी शो की रेटिंग में भले ही ज्यादा स्टार्स आए हो, लेकिन आप फैंस कम कमाओगे, और इसलिए इस हफ्ते फिर से फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जीत चुका है। तो इस हफ्ते देखते हैं ना कि किस शो को कितने ज्यादा नए फैंस ने देखना चालू कर दिया है। मेरे हिसाब से ऑब्वियसली फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ज्यादा फैंस बढ़े होंगे, 55,000 फैंस बढ़े हैं, और इस हफ्ते सिर्फ मुझे $14 का नुकसान हुआ है, तो पैसे भी मेरे ही सबसे ज्यादा है जहां तक मुझे लग रहा है। रॉ का भले ही 14 स्टार आया था, लेकिन फैंस देखना 47,000 ऑब्वियसली मुझे लगा ही था कम है, और NXT का जबकि ज्यादा है, 49,000 NXT ने कमाए फैंस। ये ट्रिपल एच का गोल कंप्लीट करने के बाद मुझे एक नया पावर कार्ड मिला है। हर हफ्ते GM मोड पे बस यही तो देखना है कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन नंबर 1 पे रहे और नीचे ना आए। अभी तक किसी भी GM ने हॉल ऑफ फेम की ट्रॉफीज जीतना स्टार्ट नहीं किया है। ऐसे हॉल ऑफ फेम की एक ट्रॉफी जीतने के लिए जो भी मतलब साइड ऑब्जेक्टिव है,
उसको भी मैं कंप्लीट किए जा रहा हूँ। याद है ना, 8 कमिश्नर गोल कंप्लीट करना था, जिसमें से मैंने 1 या 2 कंप्लीट कर दिया है। रेटिंग्स जीतने के साथ साथ हॉल ऑफ फेम की ट्रॉफी भी जीतते जाना है, और जब 10 हॉल ऑफ फेम की ट्रॉफी हो जाएगी ना, तो मैं रिटायर कर सकता हूँ उसके बाद। ज़ेवियर वुड्स मुझे सिखा रहे कि अपने रोस्टर को खुश कैसे रखना है ताकि वो मेरा शो छोड़ के जाए नहीं। तो ट्रिपल एच ने मैसेज किया कि ओमास का स्टैमिना 40 से कम हो गया है, और स्टैमिना 40 से कम होने के बाद ना इंजर्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर मैं ओमास को 1 हफ्ते रेस्ट करवाता हूँ और उसका कोई प्रोमो भी कट नहीं ना करवाता हूँ, तब उसका 12 स्टैमिना और बढ़ जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, ओमास को भी रेस्ट देते हैं हेल इन अ सेल तक, और वीर महान की तब तक हम लोग दुश्मनी कंटिन्यू करवा सकते हैं रे और डोमिनिक साथ, ऐसे भी ओमास और वीर पार्टनर है। अच्छा, तो रे मिस्टीरियो ने भी मैसेज किया है। ओके, तो रे ने मैसेज किया कि उनके दोस्त और परिवार उन्हें आज कम्पीट करते हुए देखना चाहते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। यानी कि अगर मैं आज रे मिस्टीरियो को रेस्ट करवा देता हूँ ना, तो रे मिस्टीरियो बुरा मान जाएंगे, तो रे को भी बुरा फील नहीं करवा सकते भाई, स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन है। और इस हफ्ते के लिए ट्रिपल एच ने गोल दिया है कि कम से कम 1 टीएलसी मैच करूं मैं। ओके, ट्रिपल एच ये सब तो आसान गोल दे रहे हैं, इसके बाद ट्रिपल एच पता है क्या गोल देंगे, कि अपने मेन चैंपियन के मैच में इंटरफेयर करवा दो। उससे क्या होगा कि चैंपियन ही बुरा मान जाएगा। ये सीजन चैलेंजेस भी धीरे धीरे कंप्लीट हो रहे हैं नहीं, और इनके कंप्लीट होने के बाद हॉल ऑफ फेम की ट्रॉफी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। फेल ये फैमिली, आज का जीएम मोड हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। और फेल आर्मी, अगर आप चाहते हो कि कल भी जीएम मोड ही की वीडियो आए, तो फटाफट जल्दी जल्दी लाइक करके 20 के लाइक्स पर इस वीडियो को पहुंचा दो, और 110% कल भी जीएम मोडी की वीडियो आएगी। तो चलो, मैं मिलता हूँ जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखो सारे।